दोस्तों यदि प्ले स्टोर के आप 3 सेटिंग को ऑन कर देते हो तो आपका बैटरी प्रॉब्लम, हैंग प्रॉब्लम, लैग प्रॉब्लम, स्टोरेज प्रॉब्लम, सारा प्रॉब्लम आपका खत्म हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, प्ले स्टोर से आपका सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए फ्रेंड, हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड, आपको प्ले स्टोर पर आ जाना है, और प्ले स्टोर पर आने के बाद यहाँ पर जो आपका लोगो होगा, आप लोगो पर एक बार क्लिक कीजिएगा। देख सकते हैं, जैसे आप लोगो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक मैनेज ऐप्स डिवाइड का ऑप्शन है। यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ मैनेज का ऑप्शन है। देख सकते हैं यहाँ पे मैनेज करेंगे, जैसे आपने मैनेज पे किया तो यहाँ पे इंस्टॉलेट का ऑप्शन है। इंस्टॉलेट पे एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टॉलेट, यहाँ पे नोट इंस्टॉलेट, तो नोट इंस्टॉलेट पर आपको क्लिक करना है। तो देख सकते हैं नोट इंस्टॉलेट पर करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आप जब से मोबाइल लिए हैं और जितने भी एप्लीकेशन आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल किए हैं फ्रेंड, तो उसका देख सकते हैं कि यहाँ पे आप तो फ़ोन से डिलीट करते हैं तो वहाँ से क्या होता है कि डिलीट तो हो जाता है, मगर आपके प्ले स्टोर के अंदर ये देख सकते हैं स्टोरेज को भर के रखा हुआ रहता है, ये स्टोरेज को फुल करके रखा हुआ रहता है फ्रेंड। तो आपको यहाँ से जब तक अगर आप डिलीट नहीं करेंगे तब तक ये आपको डिलीट होने वाला नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, और सेलेक्ट करके एक एक करके यहाँ पे डिलीट करना पड़ेगा। देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने ऐसे सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे सेलेक्ट कर करके आपको क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। देख सकते हैं फ्रेंड, ऐसे आपको सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट पर एक बार ऐसे क्लिक करना है, यहाँ रिमूव कर देना है। आप ऐसे कर करके अपना जितना भी अब मतलब होगा, देख सकते हैं हम तो यहाँ पे खाली करते हैं फ्रेंड ताकि हमारा स्टोरेज खाली रहे। तो देख सकते हैं हम तो यहाँ पे स्टोरेज को अपना खाली कर लिए हैं। तो आप भी आप कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ये सेटिंग पता है। ये तो पहला नंबर सेटिंग था, अब आपको हम दूसरा सेटिंग बताने वाले हैं। यहाँ से देख सकते हैं हम बैक चले जा रहे हैं, और देख सकते हैं फिर से हम यहाँ पर लोगों पर क्लिक कर रहे हैं, और यहाँ पर सेटिंग पर आना है। देख सकते हैं सेटिंग पर एक बार आने के बाद यहाँ पर जनरल सेटिंग का ऑप्शन है, जनरल सेटिंग पर एक बार क्लिक कर दीजिए, और इसके बाद आपको यहाँ पे थीम का ऑप्शन है, थीम पे क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पे डार्क का ऑप्शन है, देख सकते हैं डार्क, यहाँ पे कीजिए ओके कीजिए। तो देख सकते हैं आपका फ़ोन जो है डार्क हो जाएगा, इससे क्या होगा कि आपका बैटरी कम खाएगा और बिल्कुल आपका बैटरी ज़्यादा चलेगा फ्रेंड। देख सकते हैं इससे बैटरी ज़्यादा चलेगा। तो यहाँ पर आप कर लीजिए, ये दूसरा सेटिंग था। अब आपको हम तीसरा सेटिंग बताने वाले हैं फ्रेंड, तो चलिए हम तीसरा सेटिंग भी आपको बताते हैं। यहाँ से हम पहले इसको हटा दे रहे हैं क्योंकि हम वीडियो बना रहे हैं फ्रेंड, तो हम इसको लाइट में कर दे रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम आपको तीसरा सेटिंग बता रहे हैं। तीसरा सेटिंग के लिए यहाँ पे फिर से आपको आना है, और यहाँ से फिर से सेटिंग पे क्लिक करना है, और यहाँ पे एक नेटवर्क प्रिफ्रेंस का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऑटो अपडेट्स एप्स का नाम से एक ऑप्शन होगा, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक बार क्लिक करना है, और जैसे आप क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आपको ओवर एनी नेटवर्क पे है, तो यहाँ पे आपको कर देना है डोंट ऑटो अपडेट ऐप्स, यानी मतलब डोंट ऑटो मतलब कोई भी क्या होता है ना कि हमारे प्ले स्टोर के अंदर कोई भी एप्लीकेशन का अपडेट आता है तो वो क्या करता है कि अपडेट ऑटोमेटिक हमारा इंटरनेट अपडेट हो जाता है, इंटरनेट भी चला जाता है और हमारा बैटरी भी चला जाता है, तो उससे क्या होता है और स्टोरेज भी फुल होता है। तो उससे हमारा ये प्रॉब्लम जब आप डोंट ऑटो अपडेट पे कर देंगे तो ये अपडेट नहीं करेगा। तो ये तो फ्रेंड तीसरा सेटिंग था। तो आई होप दोस्तों हम यही सेटिंग के बारे में बता रहे थे। अगर हमारे वीडियो से सीखने को मिली हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।